आज का सवाल जो है वो ज्योमेट्री से, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर में राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको ई एफ ले लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो आपको इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या होगा वो आपको बताना है, मींस आपको ए बी या फिर ए डी या फिर बी सी या फिर सी डी निकालना है, ठीक। अब देखिए इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं, तो जब भी इस तरीके का सवाल है, अब देखिए यहाँ पे मुझे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो सीधा साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो कहीं ना कहीं तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना पाइथागोरस थ्योरम का ये सवाल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये साइड जो है, चलिए इसको हम ये पूरे साइड को एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ए ई को जो है वाई ले लेते हैं। तो अगर ए ई वाई है तो ये डी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा साइड एक्स हो, दोनों साइड ऑल साइड्स आर इक्वल इन एस का, राइट। तो ये एक्स है तो पूरा एक्स होगा, ये वाई है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को ए ले लेता हूं तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर 90 माइनस ए है तो ये एंगल क्या हो जाएगा कि अगर ये ही है ये भी 90 माइनस ए होगा। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ये 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, ये एंगल ये, ये एंगल ये, ये एंगल पे ये एंगल पे, तो पाई ए ए ए सिमिलरिटी रूल, ओके, और क्राइटेरिया ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो तो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा, ठीक है। अब ये पता है हमें कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए इस एंगल का पूरी क्या है, ये साइड है और ये एंगल इसके लिए बदल दी, इस एंगल का पूरी कौन साइड, ये साइड है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल के साइड कोरिस्पोंडिंग साइड्स है, सो x माइनस y बाय x इसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस, सो दिस साइड बाय दिस साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का इसके बराबर, सो हाइपोटेनस ये कितना है 3 है, ये 4, सो 3 बाय 4 के बराबर होगा, सो रेशियो ऑफ दिस साइड बाय दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बिकॉज़ ये 90 है इसका हुई भी है, ये 90 इसका हुई भी है, ओके। यहां से हमें क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इनटू x माइनस y इज 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3 इनटू x कितना आ जाएगा 3x, अब x को इधर लाइए 4y को इधर लीजिए माइनस 4y को, तो 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 4y, सो x इक्वल्स टू क्या मिला हमें 4y, इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 4y का मतलब है कि x बाय 4 is equal to y और y equals to x by 4, तो अगर y जो है वो x by 4 के बराबर है, अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये साइड हमें x का टर्म मिल गया, इस साइड भी x का टर्म मिल गया और ये साइड हमें पता है हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम x square plus x by 4 whole square x square plus x by 4 whole square will be equal to 4 square, that is how much? 16. यहाँ से मिलेगा x square plus x square by 16 equals to 16. तो 17 x square by 16 equals to 16. So x square equals to 16 into 16 divided by 17. It means x equals to 16 by root 17. जब भी आंसर में लिखना चाहिए ना, तो आंसर तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है,
और ना आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है 16√17 − 17. तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे रूट 17 से आप एंड डाउन, तो आंसर क्या मिलेगा 16√17 − 17. तो या तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं या आंसर भी लिख सकते हैं, तो चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया होगा. ठीक है, तो आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा एक ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. जय.